नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। एक तयशुदा प्लानिंग के तहत एलएसी का मुद्दा अब मीडिया से पूरी तरह साफ कर दिया गया है। 2 महीने तक गलवान पैंगोंग पर जो तनाव देश ने झेला है, उसके इस तरह अचानक शांत हो जाने पर कई सवाल खड़े होते हैं। ऐसा दिखाने की कोशिशें बहुत तेजी से हो रही है, जैसे एलएसी पर सब कुछ शांत हो चुका है, मोदी जी ने शहीदों के बलिदान का मान रख लिया है, जबकि एलएसी की वास्तविक स्थिति अभी भी बहुत डराने वाली है। वहां सब कुछ पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुआ है। चीन फिर से किसी बड़ी साजिश की फिराक में है और किसी भी पल यहां पर कुछ भी बड़ा घट सकता है। हम आपको जरूर बताएंगे एलएसी पर आज की घड़ी कैसे हालात हैं, साथ ही यह भी बताएंगे कि चीन गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो के इलाके में किस तरह का चक्रव्यूह रच रहा है। पर उससे पहले द हिंदू की उस रिपोर्ट का भी जानना जरूरी है, जिसने मोदी जिनपिंग की दोस्ती में दरार डाल दी है, जिससे पता चलता है कि कैसे जिनपिंग ने दोस्ती की आड़ में भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। दरअसल द हिंदू ने सिन्हुआ एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर खुलासा किया है कि गलवान घाटी, पैंगोंग झील और एलएसी से लगे अन्य इलाकों में चीन के कदम कई महीनों की तैयारी के बाद उठाए गए थे। यह तैयारी शी जिनपिंग के आदेश के बाद की गई। यह तैयारी इतनी रणनीति के साथ की गई थी कि चीन ने एक साथ कई मोर्चों पर अपनी तादाद बढ़ा दी। इसकी वजह से चीन और भारत के बीच झड़प हुई और इसमें 20 भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए। खुद भारतीय अधिकारियों ने भी यह स्वीकारा है कि इन घटनाओं का समय यह दर्शाता है कि उच्च स्तर पर समन्वय और प्लानिंग की गई थी। चीन ने सेना को इस तरह तैनात किया था कि गलवान घाटी और पैंगोंग झील इलाके में भारत को एलएसी से पीछे ढकेल दिया जाए, ताकि चीन की आधिकारिक सीमा के साथ इसे जोड़ा जा सके। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में अल्पकालीन समय के लिए बनाए गए बफर जोन को पेचिंग के एलएसी के नए दावे के साथ बनाया गया है, जिससे एलएसी एक किसी पश्चिम की ओर चली गई है। यानी शी जिनपिंग बड़ी ठोस योजना के साथ भारत को घेरने और एलएसी को बदलने के मंसूबे पर काम कर रहे थे, या यू भी कह सकते हैं कि वे अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एलएसी पर ज्यादा कुछ नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है तो वह भारत की मीडिया का ध्यान है, जो विकास दुबे को महिमा मंडित करके और राजस्थान में गहलोत सरकार के मुंह चाटने की कहानी सुनाकर टाइम पास करा रही है। हमारे पास इस बात की ठोस जानकारी है कि एलएसी पर चीनी सेना कितने आगे पीछे हुई है और वहां भारत आज किस स्थिति में मौजूद है। इसी जानकारी से आप खुद विश्लेषण कर सकेंगे कि भारत अपने 20 जवानों को गंवाने के बाद कितना तीरंदाज साबित हुआ है। भारत की मीडिया ने चीन के पीछे लौटने की खबर 2 दिनों तक चलाकर एक जज के रूप में खुद ही भारत की विजय का जजमेंट दे दिया, लेकिन हकीकत यह है कि पैंगोंग झील इलाके में चीनी सेना भले ही फिंगर पोर से पीछे हट गई हो, लेकिन वह अभी भी फिंगर 5 पर जमी हुई है। खास बात यह है कि इससे पहले भारत फिंगर 8 तक गश्त लगाता था। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 की दूरी करीब 8 किलोमीटर है, यानी चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे लौटी है, मगर 6 किलोमीटर के इलाके पर वह अभी भी डेरा डाले बैठी है। चौंकाने वाली बात यह है कि चीनी सेना अब और पीछे जाने के लिए रजामंद नहीं है, जबकि इसके उलट भारतीय सेना फिंगर 3 और 4 के बीच मौजूद थी, जो आज फिंगर 2 के पास आ गई है। अब जो लोग यह कहते हैं कि चीन ने भारत की कोई जमीन नहीं कब्जाई है, उन्हें समझना होगा कि एलएसी का यह इलाका नो मैन्स लैंड जोन में आता है, यानी दोनों ही देशों के पास इसका मालिकाना हक नहीं है, वे सिर्फ दावेदार हो सकते हैं। मगर चीन ने अगर नो मैन्स लैंड जोन के 6 किलोमीटर पर अपनी सेना तैनात कर दी है और वह कुछ महीनों या सालों तक वहां टिका रहता है, फिर चीन खुद को उसका मालिक घोषित कर देगा। इसके बाद भारत उसे वापस जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। यह चीन की कोई नई तरकीब नहीं है। ऐसे ही हथकंडों से उसने भारत की सैकड़ों किलोमीटर भूमि कब्जाई है। यह समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नो मैन्स लैंड के 6 किलोमीटर इलाके का चीन फिलहाल मालिक बन चुका है। अब चीन का अगला कदम फिंगर 4 से फिंगर 1 तक के इलाके को नो मैन्स लैंड में परिवर्तित करना है, जिस पर आज भारतीय सेना तैनात है। पीएम मोदी अगर यह कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया है, यह पूर्णतया सही है, पर जिस जमीन पर चीन सेना आई है वह उनकी भी नहीं है। उस जमीन का भारत भी उतना ही दावेदार है जितना कि आज चीन है, इसलिए जनता को उल्लू बनाकर चुल्लू भर पानी में डुबोया जा रहा है। मजे की बात यह है कि हम उसमें भी तैरने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।